Hi friends, very good morning to all of you. आज मैं आपको 30 by 40 feet में बना हुआ एक खूबसूरत सिंपल सा प्लान दिखाऊंगा. देखिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक एंड आपको इसी तरह से और भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ मिलते रहेगा. अगर आप हमारे दोस्त बनना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम आईडी है लाइफ इज ऑसम सिविल. एंड कुछ इमेजेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर वेबसाइट का नाम जो है ऑसम हाउस प्लान्स एक बार आप चेक कर लीजिएगा. और आपको वहां पर जो है बहुत सारे इमेजेस मैं पोस्ट किया हूं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा. जैसे कि विंडो का डिज़ाइन हो, या फिर मेन डोर डिज़ाइन, या फिर कबर्ड शेल्व्स किस तरह से बनाया जाता है, कौन सा रेशियो इस्तेमाल किया जाता है, वो सब डिटेल में बताया हूँ वहाँ पर. एक बार जाके आप चेक कर लीजिएगा. एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल. इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. बस जस्ट वो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हो ना, उसको आप टच कर दीजिए. एंड बात करते हैं इस प्लान के बारे में जो आप देख रहे हैं. ये 30 by 40 तीन मंजिला इमारत बनाई है टोटल में. ये ग्राउंड फ्लोर आपका, ये पार्किंग एरिया 15 feet 6 inch by 15 feet में पार्किंग एरिया. यहाँ पे हॉल, बेडरूम नंबर 2. ये है आपका बेडरूम नंबर 1, अटैच टॉयलेट एंड बाथ, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, किचन. अब नेक्स्ट आता है कि पार्किंग जो एरिया है इसका वेल कहाँ पे आता है, फिर गेट का साइज़ कितना लेना चाहिए, और यहाँ पे एक कार बैठ सकता है या नहीं. एंड नेक्स्ट जो है वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर से भी अच्छा है कि आप ओवरहेड वाटर टैंक बना लीजिएगा, सबसे बेस्ट, आपको सस्ता भी पड़ जाएगा एंड सही रहेगा. ओके और ये साउथ ईस्ट कॉर्नर साइड जो है ना, आप सेपरेट टैंक बना लीजिए. वहाँ पे पार्किंग एरिया 15 feet 6 inch by 15, यहाँ पे एक गेट आ जाएगा जिसका साइज़ लगभग आपको मिल जाता है 10 feet तक लीजिए. अगर आपके पास कार रहा तो 10 feet, मतलब बाय 2 करना चाहिए कभी भी, सिंगल गेट नहीं रहना चाहिए, मतलब पूरा वजन उस पर ही पड़ता है ना, तो उसकी वजह से बाय 2 करना सबसे बेस्ट. यहाँ पे हॉल, यहाँ पे एक विंडो आ जाएगा, नॉर्थ की तरफ एक विंडो लीजिए बड़ा सा, जिसका साइज़ ऑलमोस्ट 5 feet by 4 feet तक आ जाएगा. एंड ये आपका बेडरूम नंबर 2, 12 by 10 feet, यहाँ पे एक विंडो नॉर्थ की तरफ. वेस्ट की तरफ लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वेस्ट की तरफ से आपको उजाला ज़्यादा नज़र आता है कंपेयर टू नॉर्थ की तरफ से. एंड यहाँ सीधा एंटर हो गया घर के अंदर, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ 7 by 4 feet 3 inch. एंड ये है आपका अटैच टॉयलेट एंड बाथ 7 by 3 feet 6 inch में. यहाँ पे बेडरूम नंबर 1 मिल जाएगा 12 feet 6 inch by 12 feet, और ये है किचन जिसका साइज़ आपको लगभग मिलता है 12 feet 6 inch by 10 feet में. तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस हाउस प्लान 30 by 40 2 BHK विथ कार पार्किंग के साथ. फिर नेक्स्ट आता है इसका फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर. ये आपका फर्स्ट फ्लोर देखिएगा, ये बालकोनी 6 feet 6 inch wide, यहाँ पे हॉल है 12 by 16 feet 6 inch, बेडरूम नंबर 2 12 by 10 feet विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ. तो थोड़ा सा बहुत कुछ जो है डिपेंड करता है अपना कास्ट रिलीजन पे डिपेंड करता है. जो रिलीजन है ना, ज़्यादातर तो लोग चाहते हैं कि अटैच टॉयलेट बाथ रहा, तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, स्पेशली फॉर मैरिड पर्सन हो या फिर ओल्ड पर्सन्स हो, उनके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा. एंड एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहता है अटैच टॉयलेट एंड बाथ रहा तो. रीज़न यही है, खर्चा तो ज़्यादा आता है, कोई बात नहीं. अब देखिए आप रूम के अंदर गए, अभी थोड़ा सा कुछ हैंड वॉश करना है या फिर फेस वॉश करना है, फिर दूसरा रूम में जाके करना पड़ता है ना फेस वॉश हो या फिर जो भी, तो वो आपको कन्वीनियंट हो जाता है. आपके अटैच रहा तो क्या है, आपको रूम में सेपरेट अटैच रहा तो क्या है, कन्वीनियंट होता है. तो इसकी वजह से क्या है ना, एक अच्छा बेहतरीन आपको सही तरीके से हो जाएगा. तो ये था कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. एंड अटैच बनाए तो और अच्छा ही है, बस जगह रहना चाहिए आपके पास और कुछ, और यही बस, और यहाँ पे बालकनी वो सब. तो फिलहाल के लिए स्टूडियो में बस इतना ही. एंड कॉलम साइज आप इस्तेमाल कर सकते हैं 9 by 15 inch का कॉलम,
So do like, share, subscribe, support channel to reach 1 million subscribers on YouTube. Have a great day.